मतलब अगर बॉडी बीमार है, सर दर्द है या फिर विटामिन्स की डेफिशिएंसी है, तो आप सप्लीमेंट ले लो, गोलियां खा लो और आप फिर एकदम ठीक ठाक चंगे हो जाओगे। पर मन के रोगों का क्या? मन के कौन से ऐसे तार है, ऐसी कौन सी चीज है कि सिटी स्कैन में निकल आएगी, एक्सरे मशीन होगा जिसमें पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ पे इश्यू है। ये चीज है, अगर मन का रोग है तो ये सप्लीमेंट लो, ये विटामिन्स लो, आप मेंटली फिट हो जाओगे। पर ऐसा तो कोई मशीन ही नहीं है। साइंस ने इतने सारे इन्वेंशंस किए हैं पर हमें पता ही नहीं है कि एक्चुअली हमारे मन को भी विटामिन्स चाहिए। नहीं लगता आपको ऐसा? विटामिन्स एंड सप्लीमेंट्स अगर शरीर को ठीक कर सकते हैं तो मन को क्यों नहीं? पर ये अलग बात है कि ये जो विटामिन है ये आपको बाजार में नहीं मिलेंगे। हाय, मेरा नाम जिया है और आप मेरे साथ ख्यालों वाली खिड़की में हो और आज का टॉपिक ही है विटामिन B12। हमारा जो मन होता है वो सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है, हमारी बॉडी बाद में अफेक्ट करती है। हम अपनी जिंदगी से खुश ना हो, इस पैंडेमिक की वजह से बहुत सारी चीजों में बदलाव आया है, लाइफ पहले जैसी नहीं रही है, चाहे फाइनेंशियल स्ट्रेस हो, रिलेशनशिप का स्ट्रेस हो, ऐसी बहुत सारी चीजों का मिक्स हो जाना भी दिमाग को और मन को काफी चोट पहुंचाता है। सो सबसे ज्यादा अफेक्ट हम कहाँ करते हैं? रिश्तों में, जिंदगी में, जो चाहा वो ना मिला, जो एक्सपेक्ट किया था उस हिसाब से हुआ नहीं। जो रिश्ते होते हैं ना, ये हमारे मन को सबसे ज्यादा, हमारे मन पे इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं। सुख का कारण भी वो होते हैं और दुख की वजह भी ये हमारा मन ही होता है। और वैसे भी मैं मानती हूँ कि आजकल रिश्तों में ना न्यूट्रिशन की बहुत जरूरत है। मतलब अगर आप टाइम टाइम पे अपने मन को न्यूट्रिशन देते रहे तो आपके आसपास सब कुछ ठीक हो सकता है। सिंपल। सो विटामिन ए होना बहुत जरूरी है। अब विटामिन ए, अरे अटैचमेंट, हम भले दूर हैं लेकिन एक दूसरे से अटैच है, एक दूसरे से करीब है, यह एहसास भी आपको अंदर से कितना अच्छा रखता है। सो विटामिन ए इज इक्वल टू अटैचमेंट, जो आपकी दोस्ती, आपके रिलेशनशिप को फिर एक बार अपलिफ्ट करता है। और विटामिन ए को विटामिन बी का अगर सपोर्ट मिल जाए तो रिलेशनशिप बहुत ज्यादा रिफ्रेश हो जाता है। विटामिन बी, अरे उसमें तो बहुत सारे टाइप्स है ना, B3, B5, B12। बिल्कुल वैसे ही विटामिन बी यानी कि बॉन्डिंग। जब रिश्तों में गलतफहमियां होती हैं तो बॉन्डिंग कमजोर हो जाती है। सो गलतफहमियों के वायरस से लड़ने के लिए विटामिन बी बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि रिश्ता सिर्फ टेम्पररी नहीं होता, वो याद बनके आगे संभालने के लिए भी बहुत काम करता है। और इसी विटामिन बी के साथ अगर आप बारी बारी जब जरूरत हो विटामिन सी ऐड कर दो, थोड़ी सी केयर, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तभी आता है आपके रिलेशनशिप में। और अगर उसमें साथ हो हफ्ते में एक बार विटामिन डी का, यानी कि डेडिकेशन। इस दुनिया में कोई भी रिश्ता नहीं है जो बिना डेडिकेशन आगे बढ़े। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है कि बिना डेडिकेशन हो पाए। और ये तो रिश्ते हमारे मन से जुड़े हुए हैं। सारे विटामिन्स रिश्तों की इम्यूनिटी बढ़ाएंगे। और वैसे भी कहते हैं ना, मम्मी पापा नहीं कहते, साल में एक बार तो बॉडी चेकअप करा दो, और वैसे भी इस पैंडेमिक में तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल वैसे ही मन का चेकअप भी बहुत जरूरी है। वक्त आने पर ये सारे विटामिन्स हमारे मन को, हमारी जिंदगी के रिश्तों को फिर एक बार जीने लायक बना देते हैं। इनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है। दैट्स व्हाई इट्स वेरी वेरी नेसेसरी कि वक्त आने पर विटामिन ए, बी, सी, डी आप अपनी मर्जी से अपने सप्लीमेंट्स ऐड करते रहिए। और मन के तो बहुत सारे रोग होते हैं, पता नहीं कौन सा रोग हमें लग जाए। कंपैरिजंस, पजेसिवनेस, खामोशी, गलत फहमियां, अविश्वास, न जाने कौन सा रोग हमारे मन को और हमारे रिश्ते को खतरा पहुंचा दे। और दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं जो अकेला रहना चाहता हो। सबको अपने मन को अच्छा रखना होता है और हमारा मन बहुत सारा जुड़ा हुआ होता है अपने रिश्तों के साथ, अपनी जिंदगी के साथ। तो बस संभालिए अपने मन को, उसकी देखभाल कीजिए, वरना वो आइसोलेशन मोड पे चला जाएगा। और वैसे भी रिश्तों को न्यूट्रिशन की जरूरत बारी बारी होती है, उन्हें सींचना पड़ता है, उनके साथ ग्रो होना पड़ता है, उनकी देखभाल करनी पड़ती है। इस दुनिया में सबसे डिफिकल्ट अगर कोई मेंटेनेंस मांगता है ना, तो वो रिश्ता है। और हर रिश्ते के साथ हमारा मन जुड़ा हुआ है। सो ध्यान रखिए, दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए, अपने लिए, अपने मन के लिए। टेक केयर।